नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के है कि कैबिनेट बैठक में हुआ जबरदस्त फैसला, महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2022 से बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाला डीए में 4% की बढ़ोतरी पर मोहर लगा दी है। सरकार की तरफ से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का ऐलान 28 सितंबर को किया जाएगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सितंबर की सैलरी से मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। सितंबर का सैलरी 38% डीए के आधार पर बनेगी, वही जुलाई और अगस्त 2 माह का एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 1,20,00,000 कर्मचारी और पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। दोस्तों, हाल ही में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने मौजूदा वित्त वर्ष के पहली 6 माह के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन इंडेक्स में 0.2 की तेजी दर्ज की गई है। इंडेक्स में आई इसी तेजी को देखते हुए सरकार ने 4% का इजाफा किया है। सरकार इस इंडेक्स के आधार पर कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की दर को निर्धारित करेंगे। दोस्तों, सभी कर्मचारी के महंगाई भत्ते की गणना उनके मूल वेतन के आधार पर की जाती है। मूल वेतन का भिन्न भिन्न होने के कारण कर्मचारियों की सैलरी भी अलग अलग बढ़ती है। अगर केंद्र सरकार 4% महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारी के डीए में 34% की बढ़ोतरी से लेकर 38% की बढ़ोतरी पर पहुँच जाएगा। दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी, अधिकतम बेसिक सैलरी अगर 56,900 है तो 34% के हिसाब से उस कर्मचारी को 19,346 रुपये प्रति माह फ़ायदा हो रहा है। अगर वो 38% हो जाएगा तो 21,622 रुपये हो जाएंगे। मासिक वृद्धि होगी 2,276 और सालाना होगा 27,312 रुपये। ऐसे ही अगर कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तो 34% डीए के हिसाब से उसको फ़ायदा हो रहा है 6,120 रुपये का। 38% के हिसाब से प्रति माह होगा 6,840 का। मासिक वृद्धि हुई 720 रुपये की और सालाना वृद्धि होगी 8,640 रुपये की। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को दशहरा और नवरात्रे के पावन अवसर पर सौगात देते हुए इसी नवरात्रे पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। बीते दिन हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी पर मंत्रिमंडल की सहमति हो गई है। कर्मचारी को अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।